कि कैसे उन चीजों को हम भूल जाएंगे। आप जब उफान पे थे, आपकी जब चलती थी, आपकी जब चलती थी तो समाज को अपने बांटने का कार्य किया, समाज को छांटने का कार्य किया, तो समाज को बांटने पाटने छांटने का जो कार्य किया आज लोग याद कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम बदल गए हैं, ये कैसे हो जाएगा? समाज को काटना कैसे जाता है? अब नए स्लोगन सुने हैं कि 6 इंच छोटा, माले का क्या नारा था 6 इंच छोटा, उन्हीं का तो रिप्रेजेंट किए थे, तो तजुर्बा है ना, आवाज वही उठाएंगे क्या? आवाज तो लड़े हैं ना लोगों के लिए, अगर वो आवाज वो उठाते तो फिर टिकट लोगों के लिए लड़े हैं ना, तो टिकट उनको क्यों नहीं मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको टिकट देना चाहिए ना। आपको क्या लगता है उनको क्यों नहीं मिला? अब ये तो वही बताएंगे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। तो 2 दिन में आप आइएगा टिकट लेकर के, और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना करके आप जीत के जाकर के वहां सीखने का जगह थोड़े है कि आप लोकसभा में जाकर के सीखिएगा, तब तक वक्त निकल जाएगा। अब पति माली के माले के कह रहे हैं तो जब आप सवाल जाकर को उठाएंगे या उनकी धर्मपत्नी विजया लक्ष्मी जी उठाएंगे, सवाल ये तो खड़ा हो जाता है। ऐसा लगा कि उनका उनका फेस जो है डायनेमिक फेस नहीं है, चेहरा समाज के लिए बेहतर नहीं था ऐसा लगा, उसको पाटने के लिए विजया लक्ष्मी जी को दे दिया कि हो सकता है इन पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो। अब तो सवाल उन पर खड़ा कि आप जब बोल नहीं पाइएगा, आप सिवान की महान जनता के लिए आवाज नहीं बनेगा तो क्यों हम आपको ताकत देंगे? ताकत क्यों देंगे? तमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान, तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अजय भास्कर चौहान जी, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का 3रा पुण्यतिथि, क्या कहेंगे? काफ़ी दर्द है, हम लोगों बीच में जन जन के नेता नहीं हैं, कैसे उस शब्द से बयां किया जाए, शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। अब हमारे बीच में हम लोग के नेता नहीं हो तो फिर इसके लिए कहने के लिए क्या शब्द बचा? दर्द है, दर्द है, बिल्कुल दर्द है। आज पुण्यतिथि में हम सभी उपस्थित हुए थे। ये जो चुनाव वाकई बिल्कुल डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लिए थोड़ा, या उनके परिवार के लिए, उनके बगैर मौजूदगी में ये चुनाव होगा, कितना चुनौती है? चुनौती तब रहता जब सिवान के सभी मालिक महान जनता का साथ नहीं रहता, क्योंकि साहब भी नहीं है और है ना सब घर की महिला जो घर के दहलीज से पैर निकाल करके बाहर रही हैं। पार्टी का संगठन भी कोई नहीं है, ना पार्टी का कोई कैडर, न पार्टी का संगठन, न पार्टी के लीडर का ताकत, ये सब कुछ नहीं है। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के नाते स्वाभाविक है कि चुनौती सामने होगा, परेशानी होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिवान की महान जनता, सिवान के सभी मालिक उसको अपना चुनाव समझ के लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि है ना सब ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। उसमें भी तब जब स्थिति वैसा बना, परिस्थिति वैसा आ गया, उन्होंने कहा कि सिवान मेरा परिवार है, और सिवान को जब उन्होंने परिवार माना, सिवान के सभी रंग के लोगों को अपना अंग माना, तब कोई चुनौती नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। एक और सवाल, 18 लाख लोगों को लीड करना है, उनके लिए मजबूत आवाज बनना है, संसद भवन में उनके लिए लड़ना है, सिवान के विकास के लिए, इसके लिए मजबूत विजन, बड़ा ख्वाब और आपका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस लीडर के पास होना कितना ज़रूरी है? 110% ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। अब आप सभी मालिकों का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करवाना चाहते हैं, लंबा वक्त हो गया, 2009 में पहली चुनाव आदरणीय हिना साहब ने लड़ा, हार गए चुनाव। चुनाव हारने के बाद 2009 से लेकर के आज 2024 का वक्त आ गया, कभी उन्होंने रुका नहीं, चलती रही, कहाँ मालिकों के सुख में, मालिकों के दुख में, शादी में, विवाह में, मांगलिक कार्यक्रम में, मरने में, जीने में, बच्चों को खेल के उद्घाटन में, अनवरत डे बाय डे लोगों के बीच में रहना, उनके सुख दुख को बांटना, उनकी बात को सुनना, उनके सम्मान में, उनके स्वाभिमान में एक कदम चलना, साथ ही साथ साहब के कार्यकाल का एक अनुभव, कैसे क्या करेंगे, कैसे आवाज बनेंगे, पढ़ी लिखी महिला, तो ये सब चीज़, जितना आपका सवाल था इन सभी चीज़ों का जवाब उनके पास है।
जो अभी हालात माहौल दिख रहा है, कह रहा लो कि निर्दलीय और एनडीए के बीच में लड़ाई होगा, तो विजय लक्ष्मी आपको क्या लगता है उनके बारे में आपकी क्या? नहीं, लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन कोई ना कोई दो नंबर तो आएगा। वही कह रहे हैं, लड़ाई तो किसी से नहीं है, लेकिन अब ये भी कहा जाए कि कोई नहीं रहेगा, ये भी मतलब गलत हो जाएगा। एक नंबर में हेना साहब है तो दो नंबर में कोई ना कोई व्यक्ति निश्चित आएगा। अब दो नंबर में आप क्या सोचते हैं? नहीं, क्या आपको लग रहा है कि 18 लाख लोगों का मजबूत आवाज बन पाएंगे? व्यक्तिगत 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 आरोप तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है, देश का सर को बताना पड़ेगा। नहीं, बता बता रहे हैं, बता नहीं बता रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, आम महिला नहीं रही, बता रहे हैं, देश के सर्वोच्च सदन में जाना है, देश के सर्वोच्च सदन में जाना है, जहां सिवान के सभी मालिकों महान जनता का आवाज बनना है, और जगह आवाज का ही तो है। आप जाकर के मुद्दा तो उठाइएगा, सवाल तो उठाइएगा, जब उस पैमाना पे मापिएगा, उस पैमाना से जब देखिएगा, तो अभी ग्राउंड पे है, जमीन पे है, बहुत जरूरत है संघर्ष करके उस पैमाना तक अपने आप को खरा उतारना, अभी बहुत जमाना लगेगा। ओम प्रकाश यादव जैसे यही सवाल पूछे तो कह रहे थे कि सीख जाएंगे। नहीं, अब सिवान की जनता, सिवान के लोगों का प्यार इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपको सीखने का, सीखने के लिए जमीन पर जिस प्रकार से 15 साल का वक्त हेना साहब ने दिया है, वैसा वक्त आपको देना पड़ेगा, तब बस सीखिएगा। सिंपल सवाल है, आप मालिकों के सुख दुख में रहिएगा तो सीख जाइएगा, इसके लिए लंबा वक्त की जरूरत है। दो दिन में आप आइएगा टिकट लेकर के और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाकर आप जीत के जाकर के वहां सीखने का जगह थोड़े है कि आप लोकसभा में जाकर के सीखिएगा, तब तक वक्त निकल जाएगा। आपको 10 साल 15 साल जमीन पे देना होगा, जिस प्रकार से हेना साहब ने दिया है, तब आवाज बनिएगा। आप देखते भी हैं, आप तमाम मीडिया के साथी जब भी सवाल करते हैं, हेना साहब बहुत शालीनता के साथ हर सवालों को देखिए, उनके पति तो माले के कैडर रहे हैं ना, अब पति माली के माले के कैडर है, तो जब आप सवाल जाकर को उठाएंगे या उनकी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी जी उठाएंगे, सवाल ये तो खड़ा हो जाता है, कब तक रुमाली सरकार चलाइएगा, कब तक लड़े हैं ना, यही तो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कि आप जीरादे से 5 साल विधायक रहे ना, जीरादे के लोग भी लड़े हैं, 5 इंच छोटा वाला भी उन्हीं का, ये तमाम तो लोग कही रहा कि कैसे उन चीजों को हम भूल जाएंगे। आप जब उफान पे थे, आपकी जब चलती थी, आपकी जब चलती थी तो समाज को अपने बांटने का कार्य किया, समाज को छांटने का कार्य किया, समाज को काटने का कार्य किया, तो समाज को बांटने पाटने छांटने और काटने का जो कार्य किया, आज लोग याद कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम बदल गए हैं, ये कैसे हो जाएगा? समाज को काटना छांटना कैसे जाता है? अब नए स्लोगन सुने हैं कि 6 इंच छोटा, माले का क्या नारा था 6 इंच छोटा, उन्हीं का तो रिप्रेजेंट किए थे, तब तो लोग कह रहा है, उस दौर की याद करिए, और जब भी वैसा घटना होती थी उस घटना को रोकने के लिए शहाबुद्दीन साहब खड़ा रहते थे, समाज में समरसता रहे, समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, समाज में किसी के साथ अहित नहीं हो, शहाबुद्दीन रोकते थे। जब भी अत्याचार होता था, जब भी समाज के प्रबुद्ध लोगों पे कोई किसी प्रकार का वार होता था, उनको तो तजुर्बा है ना, आवाज वही उठाएंगे क्या? आवाज तो लड़े हैं ना लोगों के लिए, अगर वो आवाज वो उठाते तो फिर टिकट लोगों के लिए लड़े हैं ना, तो टिकट उनको क्यों नहीं मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको टिकट देना चाहिए ना, आपको क्या लगता है उनको क्यों नहीं मिला? अब ये तो वही बताएंगे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्यों उनको नहीं मिला। विजय लक्ष्मी जी कौन बात देता थी, क्या बात देता थी, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है ना क्यों टिकट, ऐसा तो नहीं है ना कि महिला रिजर्व था, चूंकि उनका ग्राफ शून्य है, अगर ग्राफ शून्य नहीं रहता तो जब विधायक के पद पर पदासीन थे तो उनका टिकट क्यों कटता, क्यों कटा? जेन्युइन सवाल है, गलत नहीं पूछ रहे। 5 साल जब विधायक थे तो आपका टिकट कट गया, आपके टिकट कटने के पश्चात आपने तो उनके पास ऑप्शन था ना, वो क्यों नहीं लिए? कौन सा ऑप्शन? अभी एमपी वाला में वो खुद वो क्यों नहीं लिया, आपको क्या लगता है? ऐसा लगा कि उनका उनका फेस जो है डायनेमिक फेस नहीं है, चेहरा समाज के लिए बेहतर नहीं था, ऐसा लगा, उसको पाटने के लिए विजय लक्ष्मी जी को दे दिया कि हो सकता है इन पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो। अब तो सवाल उन पर खड़ा कि आप जब बोल नहीं पाइएगा, आप अधिक सिवान की महान जनता के लिए आवाज नहीं बनेगा, तो क्यों हम आपको ताकत देंगे, ताकत क्यों देंगे? अब केस का मामला, माननीय न्यायालय का मामला, उस पर तो बहुत नहीं जाएंगे, माननीय न्यायालय का मामला जो होगा होगा, लेकिन सोसाइटी में ग्राफ बेहतर नहीं है, फेस बेहतर नहीं है, समाज में अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, नहीं भाई, फेस इन सेंस, उसको चेहरा को नहीं कहिए, फेस मीन्स एक सामाजिक फेस होता है कि आदमी का व्यक्तित्व तो क्या, उसको भी फेस के रूप में हम देखते हैं कि आदमी का कैसा व्यक्तित्व तो है, तो समाज में जो उनका व्यक्तित्व तो है वह बेहतर फेस के रूप में स्थापित नहीं है,
अब चेहरा नहीं, हम ये नहीं करें, चेहरा से तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि गरीब मजलूम के लिए हम लड़े हैं, धरातल पे हम स्ट्रगल किए हैं, लड़े हैं उनके लिए, जिससे समाज में नफरत का जड़ बढ़ गया, यही आपका लड़ाई है। आप लड़िए समाज को समरस समाज बनाने के लिए, आप लड़िए समाज को विकसित समाज बनाने के लिए, आप लड़िए समाज में सामाजिकता स्थापित करने के लिए, इसको लड़ना करते। आप क्या अपील होगा? निवेदन करेंगे सभी मालिकों से कि सिंबल आ जाएगा आपको 9 तारीख को, 7 तारीख को स्कूटनी है, 9 तारीख को चिन्ह मिल जाएगा, है ना साहब, का सिंबल मिलेगा। जो सिंबल मिलेगा, सिवान के सभी मालिकों से निवेदन करेंगे, उस महिला का त्याग और तपस्या समर्पण 15 साल का रहा है, हर वक्त उन्होंने गंवा दिया, जिनके सर पे साहब का साया भी नहीं है। एक महिला है, कोई बड़ी नेता नहीं है, किसी बड़े नेता का जमावड़ा उनके साथ भी नहीं है, सभी हम जैसे छोट भैया नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में सिवान की महान जनता से निवेदन करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपके कंधों पे वो जिम्मेवारी उन्होंने देखा है कि सिवान के महान जनता का प्यार हमें मिलेगा, इस आधार को उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। तो अगर उन्होंने सिवान के मालिकों पर विश्वास देखा, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आने वाले 25 तारीख को अपना एक एक मतदान दान दे करके है ना साहब का हाथ को मजबूत करिए, आपकी नेतृत्व करेंगी, आपका ताकत बनेंगी, तब जाकर के सिवान मेरा विकसित सिवान बनेगा, सिवान मेरा शिक्षित सिवान बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।